हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज जो हम लोग गाना करने वाले हैं उसका नाम है गिव मी सम सनशाइन, विच इज़ फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स। पहले मैंने बनाया था वीडियो इस सॉन्ग पे, बट उस वो आई थिंक फर्स्ट सिंगल स्ट्रिंग वाला वीडियो था, एंड वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी, तो आई थॉट फिर से एक बार बनाना चाहिए मैंने। एंड जो बैक ट्रैक मैंने अभी प्ले किया जो सुना आप लोगों ने, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेम्बर्स के लिए। आई एम श्योर आप लोग को जो कम्युनिटी टैब है उसमें मिल गया होगा वो, तो अभी आप लोग जो है टैप सीखेंगे मुझसे एंड फिर जाके उस बैक ट्रैक पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाकी जो लोग अभी तक मेंबर्स नहीं बने, अगर वो मेंबर बनना चाहते तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग मेंबर बन सकते हो। आप लोगों को जो मेरे पुराने बैक ट्रैक से जो मैंने यूज़ किए हैं एंड आगे भी जो यूज़ करूँगा उन सबका आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी लेसन के साथ। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सॉन्ग के लेसन के साथ। फर्स्ट लाइन सारी उम्र हम ऐसे पे करना है, ठीक है। तीन स्ट्रोक देंगे फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, दो स्ट्रोक देंगे हल्के से पॉज के बाद, तीसरा स्ट्रोक देंगे, फिर शिफ्ट हो जाएंगे फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का ऐसे। उसके बाद मरमर के जीत लिए, ठीक है। लाइन स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दो स्ट्रोक फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, हल्के से पॉज के बाद एक और स्ट्रोक, फिर से शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर से थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग ऐसे। इसके बाद वाली जो लाइन है एक पल, तो अब हमें उसके लिए भी सेम टाइप रिपीट करना है, ठीक है। अब जीने दो जीने दो, लाइन स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, 5 4 2 5, ठीक है। फिर से 5 4 5 पे शोक देके स्लाइड डाउन टू 7 ऐसे, ठीक है। चारों लाइन्स एक बार स्लोली प्ले करते हैं साथ में, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो रिटर्न टैप्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, वहाँ से आप लोग रिटर्न टैप्स को रेफर कर सकते हो। चलो आते अभी अभी ये जो चारों लाइन है वो एक बार फिर से रिपीट करनी है, लेकिन नोट्स जो है थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी सेकेंड टाइम सारी उम्र हम, ठीक है। स्टार्ट होगा फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पर, दो स्ट्रोक के साथ, हल्के से पॉज के बाद एक और स्ट्रोक, फिर थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, और पुल ऑफ करना है 3 पे ऐसे। उसके बाद मरमर के जी लिए, ठीक है। मरमर के जी लिए लाइन स्टार्ट होगी फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दो स्ट्रोक 5 पे सेकंड स्ट्रिंग के, फिर 5 फर्स्ट स्ट्रिंग है, 3 फर्स्ट स्ट्रिंग का, फिर से 5 सेकंड स्ट्रिंग का, और पुल ऑफ 3 पे ऐसे, ठीक है। आई होप पहली दो लाइन्स आपको क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट करते साथ में प्ले करते स्लोली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो हमने प्ले किया था एक पल को, तो अब हमें जीने दो जीने दो, वो फिर से सेम रिपीट करना है। ठीक है, इसके टैप्स बता चुका आपको ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो रिटर्न टैप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, वहाँ से रेफर कर सकते हो आप लोग। अभी आते हैं म्यूजिक पार्ट पे, ना 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 ऐसे प्ले करना है, ठीक है। ये होगा फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट होगा 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, दो स्ट्रोक के साथ, फिर 5 6 ऐसे, फिर से 5 6, दो स्ट्रोक 8 पे,
फिर से 5-6। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आई होप क्लियर है। इसके बाद ठीक है, तो ये पार्ट स्टार्ट होगा फिर से 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे दो स्ट्रोक के साथ, 5-6। अब दो स्ट्रोक देंगे फिर से 8th पे और एक स्ट्रोक, फिर दो स्ट्रोक 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 7-8 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, स्लाइड डाउन टू 10, फिर से 8-10 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ऐसे। ठीक है, अब ये पार्ट भी क्लियर है आपको। अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे, जो कि गिव मी सम सनशाइन। ऐसे प्ले करना है फर्स्ट लाइन, तो या तो आप लोग 10th फ्रेट से स्लाइड करके स्टार्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 12th से स्टार्ट कर लो। तीन स्ट्रोक देंगे 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर एक और स्ट्रोक देंगे, फिर 10th पे एक स्ट्रोक देंगे। ठीक है, अब गिव मी सम रेन, तो दो स्ट्रोक देंगे 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 8, 10 पे स्ट्रोक देंगे साइड डाउन टू 12, फिर से 10। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? उसके बाद गिव मी अनदर चांस, तो चार स्ट्रोक देंगे 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर दो स्ट्रोक 10 पे। ठीक है, आई वांट अ ग्रुप वंस अगेन। ठीक है, या तो ऐसे प्ले कर सकते हो, लेकिन वो फिर बराबर मेलोडी में बैठेगा नहीं, तो ऐसे प्ले करो। तो 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्ट्रोक देंगे, स्लाइड अप करेंगे 7 और 5 पे, फिर से 5 पे स्ट्रोक देंगे, 7 पे स्ट्रोक देंगे, स्लाइड करेंगे 8 पे और एक स्ट्रोक 8 पे, फिर एक स्ट्रोक 7 पे, 8 पे स्ट्रोक देंगे, स्लाइड डाउन टू 10, ऐसे। ठीक है, चारों लाइंस को एक बार कंबाइन करके साथ में प्ले करते हैं स्लोली। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इन लाइंस को रिपीट करना है, बस हल्का सा चेंज है बीच में, लेकिन गिव मी सम सनशाइन सेम है। ठीक है, अब गिव मी सम रेन, सॉरी। ठीक है, ये हल्का सा चेंज है इस लाइन में, गिव मी सम रेन में, तो काफी फिर से 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्टार्ट होगा, फिर स्ट्रेच करना है 15th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 8, 10 पे स्ट्रोक देके स्टार्ट डाउन टू 12, फिर से 10, ऐसे। उसके बाद फिर से तो बाकी तो पार्ट सेम ही है, यहाँ तक प्ले कर लिया, उसके बाद में एंड में फिर से एक बार 8 पे स्ट्रोक देके ख़त्म कर देना। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको पूरा, एंड ये गाना, ये लेसन जो आपको हेल्प करेगा इस गाने के टाइप सीखने में। जैसे मैंने कहा, मेंबर्स के लिए बैकट्रैक अपलोड हो चुका है, आप अभी तक मेंबर नहीं बने हो तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हो, एंड रिटर्न टैप्स तो एब्सोल्युटली फ्री है सबके लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। कोई भी डाउट्स हो या रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हो, मेरी इंस्टाइड भी मैंने यहाँ पे देके रखी है, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।